हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एक्सप्लोरर आदर्श। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी तथा यूपीपीएससी दोनों में क्या अंतर है और दोनों के बेसिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। पहले संघ लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत एक एजेंसी है जो कि केंद्रीय स्तर के आईएएस आईपीएस आरएसएस आईआरएस और आईएफएस अधिकारियों की नियुक्ति करती है, उनकी बहाली करती है। मेन चार पोस्ट पे बहाली होता है यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके, आईएएस आईपीएस आईएफएस तथा आईआरएस। आप लोग डिटेल पढ़ सकते हैं क्लियरली स्क्रीन पे। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इन चार स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति होती है। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीन लेवल पे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, परीक्षा कंडक्ट करती है। अब बात करते हैं यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी है जो कि राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जैसे कि डीसी, डीएसपी, बीडीओ, एआरटी, एसी, एसीएच और ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, जो कि रेवेन्यू सर्विस के अंतर्गत ही आता है। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति होती है, यह पुलिस दरोगा, डीएसपी, पुलिस में इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति यूपीपीएससी करती है उत्तर प्रदेश सरकार में। यूपीपीएससी राज्य सरकार के अधीन है और यूपीएससी जिसका हमने पहले बात किया था जिसके बारे में यूपीएससी, वो केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। यूपीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं यानी योग्य नहीं हैं इस परीक्षा में बैठने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अंतर स्पष्ट हो गया होगा यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्या मेजर डिफरेंस है। इससे ज़्यादा और आप इसके बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। सैलरी, पोस्ट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरर आदर्श को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।